गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो हमारी वेरियस डिफरेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म्स थी, हमने टाइप्स पढ़े थे, आज हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी पढ़ने वाले हैं। जिससे कि अगर आपके इंडिविजुअल आपने जब पढ़ा था तो जिससे कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ होगा, वो कंफ्यूजन आज आपका सारा दूर हो जाएगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड वी विल फिनिश विद द गवर्नमेंट कंपनी। एक वन बाय वन हम इसके सारे जो बेसिस दिए गए हैं, कुछ बेसिस मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक दो बेसिस और हैं, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए से मैं उसको बाद में यहाँ पर राइट डाउन करूंगी। तो इन बेसिस के हिसाब से हम इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और इसके बाद ये हमारा बेटा इस पर्टिकुलर यूनिट का लास्ट टॉपिक है। फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेरी ली थी, मैम ग्लोबल एंटरप्राइजेस हमारे टॉपिक में अब नहीं है, तो वो अब जो सिलेबस है 11th का सिलेबस फिलहाल इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए रिड्यूस है, जो आपके हाफ ईयरली वाले सिलेबस में नहीं आएगा हाफ ईयरली के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट, अटेंडेंस बेटा मैं आपकी बाद में लूंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। जब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था तो उसमें बताया था आपको कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मिनिस्टर्स के थ्रू होता है। एक मिनिस्टर्स के अंडर में गाइडलाइन प्रिपेयर की जाती है, उस गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसका फॉर्मेशन करती है। गवर्नमेंट में जो मोदी जी हैं, जो वहाँ पर स्पेशल सीट पर जो पर्सन है, वो उसका फॉर्मेशन ना करके कुछ क्या करते हैं, डिपार्टमेंट डिवाइड करने के बाद मिनिस्टर्स बनाते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, बाय द मिनिस्टर्स। बात करते हैं स्ट्रेचरी कॉपरेशन में कैसे फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेचरी कॉपरेशन में जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है बाय द कोर्ट। तो एक पार्लियामेंट जो है एक स्पेशल एक्ट पास करती है पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके थ्रू कुछ स्पेशल एक्ट पास किए जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेचरी कॉपरेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, बट बाय द पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी पर आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो फुल्ली कौन यूज करता है, कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन प्रोसीजर है वो किसका रहेगा, पूरा गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन अच्छा, गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर यहाँ पर रहता है आपका, वो 51% शेयर, हमने इसे पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा, कि जो 51% शेयर है आपके वो किसके रहेंगे, गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। मिनिमम 51% शेयर, मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं, मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट इसका फॉर्मेशन करती है वो कैसे करती है, थ्रू द एक्ट। कोई एक एक्ट पास किया जाता है और वो एक्ट गवर्नमेंट अलग से भी पास कर सकती है, लेकिन चाहे तो गवर्नमेंट जो हमारी कंपनीज एक्ट बना हुआ है 2013, मेन जो एक्ट है हमारा कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट के अंडर में कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। देखिए एक तरीके से तीनों का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन तीनों का प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, यहाँ पार्लियामेंट के थ्रू होता है, यहाँ पर एक्ट के थ्रू होता है, जहां पर इनके रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप। ओनरशिप किसकी होती है, फुल्ली ओनरशिप यहाँ पर किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, बिकॉज ऑफ पूरा फाइनेंस कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। तो पूरी ओनरशिप भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेचरी कॉपरेशन में आते हैं। यहाँ पर भी जो सिचुएटेड किया था, किसने सिचुएटेड किया था, गवर्नमेंट ने सिचुएटेड किया था। तो जो फुल्ली ऑनरशिप होती है वो पूरी ऑनरशिप किसकी होती है, स्ट्रेचरी कॉपरेशन की, वो भी गवर्नमेंट की ही होती है। फुल्ली ऑनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है इन द स्ट्रेचरी कॉपरेशन टू।
लेकिन जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट पर्सन जो है वो शेयर परचेस नहीं कर सकता, प्राइवेट पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई एक प्राइवेट पर्सन भी किसी इस गवर्नमेंट कंपनी के शेयर परचेस कर सकता है एंड ही कैन बिकम अ ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। जैसे ही हमने शेयर परचेस की, शेयर परचेस करने के बाद हम कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर बनने के बाद जो ऑनरशिप है, जितने परसेंट हमारे शेयर उस कंपनी के, उतने परसेंट के हम उसमें क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो ऑनर है ऐसा जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट तो होती ही है प्लस कैन बी प्राइवेट पर्सन। 50 आप यहाँ पर इसे ऐसे समझ सकते हैं जो 51% पार्ट है, मिनिमम 51% पार्ट की, मिनिमम 51% पार्ट की जो ऑनर है वो तो गवर्नमेंट ही रहेगी। अदर जो 49% पार्ट है, अगर वो गवर्नमेंट के पास नहीं है तो उसका ऑनर कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका होता है वहां पर, ठीक है? तो मैनेजमेंट में यहाँ पर बात की गई है, पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैनेजमेंट के जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने लॉ बनाते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन। मीन्स डेट यहाँ पर जो फुल्ली रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, पूरा जो मैनेजमेंट चलता है वो किसका होता है, किसके थ्रू होता है, बाय द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के थ्रू पूरा यहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है। इट मीन्स डेट जो वहां पर काम करने वाले पर्सन हैं उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है किसी भी तरह की, उन्हें कोई पावर नहीं दी जाती है किस चीज के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, वहां पर वर्क करने के लिए। जबकि जब हम स्विचरिंग ऑपरेशन की तरफ आते हैं तो वहां पे सीईओ जो हमारे सेक्रेटरी हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं काम करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी इस तरह की है, जैसे कि आपने क्या किया कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने कोई अपने बेटे के लिए शॉप परचेज की, वहां पे सामान वगैरह लगाया और अच्छे से शॉप को डेकोरेट करके उसके हैंडओवर कर दी, लो भैया अब इस शॉप को तुम चलाओ। तो अब आगे की जो देख रेख है वो कौन करेगा, शॉप के उनका सन करेगा। तो मीन्स जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने तो शॉप बना के हम एस्टेब्लिश करके दे दी है, अब आगे उसे कंटिन्यू करने का काम किसका है, सन का है। सेम ऐसे स्ट्रेचरिक ऑपरेशन की भी बात है, गवर्नमेंट ने हमें बना के दे दी है, आरबीआई या जो एसबीआई बैंक है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करके दिया है, अब उसको आगे रन करने का काम किसका होता है, जो वहां पे मैनेजर्स हैं उनका काम है। तो यहाँ पर जो है कुछ अथॉरिटीज होती हैं इनके पास, सम ऑटोनॉमी। हम फुल्ली ऑटोनॉमी तो नहीं लिख सकते बेटा, सम ऑटोनॉमी है बेटा। कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं, अटेंडेंस मैं बाद में ही लूंगी बेटा, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा बात पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो फुल्ली किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। गवर्नमेंट कंपनी में जो मैनेजमेंट किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। लेकिन फिर भी है तो वही गवर्नमेंट नाम, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर तो रहेगा ही। हम ये नहीं कह सकते कि इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल जाती, कंप्लीट मैनेजमेंट करने की फ्रीडम मिल जाती है, कंप्लीटली नहीं हो सकती, बट इन कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्ट्रेचरी कॉपरेशन को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, और इन कंपेयर टू द स्ट्रेचरी कॉपरेशन गवर्नमेंट कंपनी के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है। इट मीन्स दैट इनके पास पावर थोड़ी ज्यादा है, दे हैव मच ऑटोनॉमी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं मोर ऑटोनॉमी, मोर भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो फुल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जितने भी हमारे इनकम्स होती हैं, जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पूरा ट्रेजर, जितना भी ट्रेजर है वहाँ पे, मीन्स सारी हमारी इनकम
कहाँ से आती, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को जाती है, और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसको बिजनेस को आगे चलाने के लिए, रन करने के लिए भी जो एक्सपेंसेस हैं वो सब गवर्नमेंट द्वारा ही बियर किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर फुल्ली फाइनेंसिंग किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। इवन इनको पब्लिक से मनी बोरो करने की भी कोई छूट नहीं होती किसी भी तरह की, दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम द पब्लिक। तो फुल्ली फाइनेंस किसका है, गवर्नमेंट का है। यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली कॉर्पोरेशन में इनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई होती है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक से मनी बोरो कर सकते हैं। दे कैन, क्योंकि इनको अपने ऑपरेशंस, अपनी जो एक्टिविटीज है वहां पर खुद करनी होती है, सो दैट्स व्हाई इनको अपने एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं वहां के खुद निकालने पड़ते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं देती। डे टू डे एक्सपेंसेस के जो वहां पे अमाउंट है उसके लिए जो बजट है उसको गवर्नमेंट नहीं देती है, यह हमारे एनुअल बजट में भी नहीं लिखे जाते हैं। स्पेशली कॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, इनके लिए कोई स्पेशल बजट पास नहीं होता, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशन इन्हें नीड होती है तो गवर्नमेंट इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करती है, बट दे कैन बोरो फ्रॉम द पब्लिक टू, पब्लिक से भी मनी बोरो कर सकते हैं। तो इनके पास ज्यादा पावर्स हैं और ये लोग क्या है, फ्री है, इनको क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है। और फ्रीडम गवर्नमेंट कंपनी को भी दी गई है। यहाँ पर तो प्राइवेट पर्सन इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ये तो हम जानते ही, हमने ऊपर देख लिया था 51% पार्ट किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, बाकी अदर पार्ट किसका है, आप यहाँ पर प्राइवेट पर्सन का हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इनको पूरी फ्रीडम दी गई है, पूरी फ्रीडम यहाँ पर दी जा सकती है किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। ये मेन डिफरेंस है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें बेटा अपॉइंटमेंट का दिया गया है, इसको नीचे ही ले लेते हैं अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट को भी। यहाँ पर क्या बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सभी इम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाते हैं। मीन्स दैट कि वहां पर क्या है कि इम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मिनिस्टर से वर्क चलता है, मिनिस्टर्स के थ्रू वहां पे वर्क होता है, अब मिनिस्टर्स तो वहां पे अपॉइंटमेंट एक पर्सन का करेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी है, जस्ट लाइक द यूपीएससी और एसएसबी। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का काम करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, इनकी स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बनाई हुई उनके थ्रू होता है, यूपीएससी और एसएसबी, इनके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है यूपीएससी और एसएसबी के थ्रू, या फिर रेलवे सर्विस कमीशन, जो रेलवे के लिए अलग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट की। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन में जो सीईओ है और जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनको पूरी ऑटोनॉमी इतनी दी गई है कि वो अपने हिसाब से वैकेंसीज निकाल सकते हैं और जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको वहां भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को, तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह की। इन्हें गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी तब हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है कि अपने बेसिस पर ऑन रूल्स रेगुलेशंस बनाकर एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट कर पाए। यहाँ पर अपॉइंटमेंट के इनके क्या होते हैं, ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेम एज इट इज गवर्नमेंट कंपनी में भी है, यहाँ पर भी क्या होता है, इनके अपने ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन दोनों के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अपॉइंटमेंट करते वक्त, ये अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा यहाँ पर ये कुछ मेन 5 पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस के रूप में लिए हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, मेरे तरफ से कंप्लीट है ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हमने पब्लिक सेक्टर यहाँ पर कंप्लीट किया है, उसकी सर्विसेज, उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट हमने सब पढ़े। तो नेक्स्ट कल हम एक केस स्टडी और प्रॉब्लमेटिक सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको कुछ केस स्टडीज को पढ़ना बताऊंगी कि हम लोग कैसे केस स्टडीज को आगे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें।
तो अब आज का हम जो क्लास है अपनी मीटिंग है उसको ओवर करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.